आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। और सामईन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक उनसे सवाल जवाब करते हैं। हमेशा की तरह आप भी अपने सवालों को हमारे शो में शामिल कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02111100105 पर, और फेसबुक पेज पे भी आप हॉट एफएम 105 के जाइए और वहाँ लाइक कीजिए, वहाँ पर भी आप अपना पैगाम भेज सकते हैं। सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 से पूरी दुनिया कोविड-19 की एक जंग से लड़ रही है। कभी हम जीत जाते हैं, कभी कोरोना वायरस जीत जाता है, लेकिन सबने बता दिया कि इससे बचने का क्या तरीका है। आजकल हम फिर देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक और वेरिएंट सामने आया और जो बहुत तेज़ी से हर जगह पूरी दुनिया पे दोबारा से फैलता चला जा रहा है। लेकिन इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है? जितने वेरिएंट्स पहले आए उसकी बनिस्बत देखा जाए तो ओमिक्रॉन का फैलना बहुत तेज़ है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे वायरल इन्फेक्शंस क्या हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फसिया सुहेल, एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक क्लिनिक, क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन FCPS मेडिसिन PGD मेडिकल बायोथिक्स। आज का हमारा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शन एंड ओमिक्रॉन वायरल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फसिया, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फसिया, पहले हम ओमिक्रॉन पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो हम कहते हैं कि जी 50% आबादी को इस वक्त ओमिक्रॉन है, तो क्या वाकई ही सही है? इसका फैलाव क्यों इतना तेज़ है? मेरे ख्याल है कि 50% जो है ये शायद गालिबन ये भी सही नहीं है, इससे भी ज़्यादा होगा यकीनन, क्योंकि जो इसका इन्फेक्टिविटी रेट है, जो इससे पहले जो हमने वेरिएंट्स देखे थे जैसे डेल्टा था या उससे पहले जो वेरिएंट्स थे कोविड के, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा इन्फेक्शस है। इन्फेक्शस का मतलब ये है कि इसकी टेंडेंसी फॉर ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जो पहला वेरिएंट था उसमें ये था कि अगर एक इंसान करीब दूसरे इंसान के एक ख़ास टाइम तक बैठे जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे को लगा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो चंद सेकंड्स भी काफ़ी है लगाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, यानी कि बहुत जल्दी दूसरे को लग जाता है। इसीलिए इसकी इसका स्प्रेड यानी कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर जैसे हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, सब करीब करीब रहते हैं और ज़ाहिर कब कितना भी अगर एहतियात कर भी लें तब भी ये चांस होता है कि कभी ना कभी, क्योंकि घर में इंसान मास्क लगा के नहीं घूमता, खैर हमारे यहाँ तो लोग बाहर भी मास्क लगा के नहीं घूमते तो घर में तो वैसे ही नहीं घूमते। फिर छोटे बच्चे इस वक्त वैक्सीनेटेड नहीं हैं और ज़्यादातर ये होता है कि जब इस सीज़न में जब सर्दियाँ होती हैं तो आप देखते होंगे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो गला ख़राब, जुकाम खांसी लेकर आते हैं घर, तो इसी तरह ये वायरस बच्चों के थ्रू ज़्यादा फैल रहा है। और उसके बाद फिर ये कि ज़ाहिर पेरेंट्स को और फिर घर में सबको, एक को होता है सबको हो जाता है। इसकी इन्फेक्टिविटी यानी कि इसका फैलाव जो है पिछले जो वेरिएंट्स थे कोविड के उसके मुकाबले में ये बे इंतहा तेज़ी से फैलता है। बिल्कुल।
और बहुत थोड़ी देर में कॉन्टैक्ट में दूसरे को लग जाता है। देखिए डॉक्टर फैसिया, हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो भी ओमिक्रॉन के जैसे सिम्टम है, ऐसे आपने बताया कि आम नज़ला ज़ुकाम ही ज़्यादातर इसमें लोगों को हो रहा है और वो बहुत जल्द ठीक भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं आ रही। लेकिन ज़ाहिर है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई या इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उस पर मे बी वो वैसे ही असर कर रहा है। तो इसमें क्या तमाम जो एस ओ पीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमें वैसे ही अपनाने होंगे जैसे हम पिछले वेरियंट्स पे कर रहे थे? क्योंकि इस वक्त जो देखा जा रहा है इसका स्प्रेड, मैं समझती हूँ इसलिए भी तेज़ हो रहा है कि लोग कहते हैं जी नज़ला ज़ुकाम ही है, मतलब 3-4 दिन के बाद वो घर से बाहर भी चले जाते हैं। मसला ये है कि जो ये वाला वेरिएंट है इसका जो जो वाहिद जिसे मैं समझती हूँ कि जो बचाव है वो सिर्फ एहतियात ही है इस वाले में, ख़ास तौर पे जिसमें मास्क का इस्तेमाल और फासला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी मैं यहाँ आपके शो में आने से पहले लिफ्ट में बैठी थी, यकीन कीजिए मेरे साथ 7 लोग थे, किसी ने मास्क सिवाए मेरे। तो वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात शायद इस वजह से ज़्यादा, मैं तो 2 साल से मास्क नहीं उतार पाई अभी तक। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि आम लोगों में इस चीज़ का रुझान पाया जाता है कि ये कोई जो कोविड अब चला गया है या ये हो नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ अभी भी हम बहुत सारे मरीज़ देख रहे हैं और ख़ास तौर पर प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो या तो वैक्सीनेटेड नहीं है या और वैक्सीनेशन भी उस तरह नहीं हुई हुई है जिस तरह होनी चाहिए थी। एक हो गई तो दूसरी रह गई और बहुत सारे लोगों ने बूस्टर भी नहीं लगवाए। तो अब जो ओल्ड एज लोग हैं, जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, वो उनको अभी भी इस बात का ख़तरा है कि ये वायरस भी उनको एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये और छोटे बच्चे, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अभी भी जो चीज़ हम देख रहे हैं, और देखिए वायरस मुस्तकिल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको आप जितना फ्रूट जितना आप उसके उसको चांस देते हैं वो उतना जो है मॉडिफाई होता है। अभी तो हम वेरिएंट देख रहे हैं हल्का है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगला वेरिएंट कैसा, जैसे इंडिया में हुआ था वो जो उनका कुंभ का मेला था उसमें जब ऑलरेडी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड थी लेकिन वो उनको एक एनवायरमेंट रिच मिली जिसमें वो ट्रांसमिट हुआ और उसमें वो म्यूटेट हो गया। सो हम ये नहीं चाहते कि ये सिचुएशन दोबारा हो। वेरी ट्रू। अच्छा डॉक्टर फसिया, जैसे हम बच्चों की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जैसे 12 साल के ऊपर, तो बच्चों का वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक स्कूल्स में कवर हो चुकी है, लेकिन जो ऐसे छोटे बच्चे हैं, तो अब जैसे ज़ाहिर है सर्दी है उसमें नज़ला ज़ुकाम की तो हो ही जाता है, माँ जितनी भी एहतियात करे फिर भी बच्चा इसको कैरी कर लेता है, या तो स्कूल से कर लेता है या फिर आसपास के माहौल से कर लेता है। तो आप तो क्या समझती हैं कि इन बच्चों को और कैसे महफूज करें, अब वैक्सीनेशन भी नहीं लगी हुई है? देखिए अभी तक तो छोटे बच्चों में वैक्सीन गवर्नमेंट ने नहीं स्टार्ट की है, उम्मीद है कि जल्द शुरू हो जाए, बाहर के मुल्कों में हो गई है, ज़ाहिर ये एक बड़ा कंसर्न है। जो जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो ये जो 5 साल से बड़े बच्चे होते हैं, ये जो एज होती है इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू फाइट द इन्फेक्शन वायरस, बहुत बच्चों में कॉमन होते हैं, ठीक है, और यही इम्यूनिटी जो होती है जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। तो एक कॉन्सेप्ट जो है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होकर बच्चों को पालना चाहिए, मेरा इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। बिल्कुल, और यही चीज़ होती है जिससे बच्चे नेचुरली इम्यून होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भाई जब तक परेशानियां देखोगे नहीं, स्ट्रेस को देखोगे नहीं, तो कैसे तो ये मजबूती के लिए ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं जाओ, ये नहीं करो, मिट्टी है, बिल्कुल नहीं करो, ऐसे नहीं करो, थोड़ा सा उनको, हाँ ठीक है, ये मास्क का इस्तेमाल है और हैंड वॉश है, सफाई जो आप रख सकते हैं जो एक बेसिक नॉर्म है जो कोविड से पहले भी होनी चाहिए, बाद में भी तो वो आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज ये कि इसके अलावा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डाइट का उनका ख्याल रखें कि वो रेगुलरली अपना खुराक वगैरह का इस्तेमाल सही करें, जंक फूड ना लें, और क्योंकि जो ये इस तरह की जो आर्टिफिशियल मसाले वगैरह होते हैं जिस तरह चिप्स और क्रैकर्स में होते हैं, उस वो इरिटेंट होते हैं थ्रोट के लिए, तो वो इन्फेक्शन, अस्थमा, ये फ्लेयर करते हैं। बिल्कुल।
और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो मौसम का है वो नेचुरली अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है, उस फ्रूट में उस मौसम में जो जो इन्फेक्शन है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो डाइट का बस आप ख्याल रखिए और बच्चों को मास्क के डॉक्टर सर से एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। ठीक है सामीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं, आपके कॉल्स भी लेंगे। डॉक्टर फसिया सुहेल हमारे साथ फ्रॉम डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ओमिक्रॉन और जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन हैं उस पर भी हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. मेरी जिंदगी है सिंपल सी सीधी सीधी, सुना डायमंड मनी एक ही चीज है, एक ही चीज। If you know, then you know. सिंपल पहले सिंपल को, जिंदगी जैसे जिंदगी सिंपल हो। जैसे जाओ, जाओ मैं बिना दे चाय। जब उस मोटिवाइड ऑन माय इंटरफेस, यू वंडर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। देख ले जो रास्ते तेरे सामने खुले, सबके खुले हाथों में तू रख, इट्स अ मस्ट। आज मैं गलत ना पालूंगी सिंपल, फोन पे रखे तेरे मुझे क्या फिक्र है। चलता है इशारों पे बैठा सितारों पे, मैं हजारों में हूं मैं सबकी निगाहों में। प्लान कैसे बनाऊं मैं, सबको ये बात सुनाऊं। देख जिंदगी से सिंपल हो जाए, सब जिंदगी से सिंपल सिंपल करो, जिंदगी से जिंदगी को सिंपल सिंपल, जिंदगी से जिंदगी को सिंपल 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 Pakistan ka pehla fully customizable financial solution Zindagi, download now. अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन ये शो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर फसिया सुहेल मौजूद है, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल, और आज हम ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर बात करें। अच्छा डॉक्टर फसिया, जैसे आप हमने मेन चीज़ से डिस्कस करी, अच्छा अभी जो इतनी परसेंटेज हम देख रहे हैं, डेढ़ हफ्ते से तो मैं सुन रही हूँ कि इतनी ज़्यादा है ये परसेंटेज, तो जैसे हम बाकी जितने भी इसके वेरिएंट थे हमने देखा कि 15 दिन में नीचे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसकी मुझे लग नहीं रहा कि इसकी परसेंटेज ओवरऑल नीचे आ रही है, तो इसका साइकिल कुछ डिफरेंट है। ये जो इसका इन्फेक्टिव पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि सिम्टम्स का होना, यानी कि एक मरीज से दूसरे मरीज को लगना, टोटल स्पैन ऑफ जो इन्फेक्शन है वो, और रिकवरी, यानी कि जो अमूमन हम डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते से एक महीने के दरमियान नॉर्मल कोरोना वायरस का एक अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट रिकवर करता है, ये रिकवरी 4 से 5 दिन में हो जाती है। लेकिन वही वाली बात पहले जो मैंने बताया कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो एक मास लेवल पर ये स्प्रेड हो रहा है। अगर घर में किसी एक को हो गया, तो अगर घर में 10 अफराद है तो लाजमी 10 लोगों को होगा। अब वो जहर एक को आज हुआ, दूसरे को 5 दिन बाद होगा, तीसरे को उसके 5 दिन बाद होगा, तो अगर आप इस तरह देखें और तो पूरा महीना ही हो जाएगा, महीना हो गया, दो महीने भी हो गए, तो मतलब वो घूम जाएगा सब में, तो उसमें वक्त लगेगा। इसी तरह जैसे अगर सिर्फ कराची की ही आप बात करें, तो कराची में जिस हिसाब से ये फैलता है बहुत जल्दी जल्दी, और एक का जब स्पैन खत्म होता है तो अगले का शुरू हो जाता है। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, इसकी स्पाइक जो है सबसे हाई है, सबसे तेजी से जाने वाली है, और उम्मीद है इस बात की कि हम जो इसका पीक अचीव कर चुके हैं, उम्मीद इस बात की है। और अल्लाह करे हम अचीव कर चुके हों, और उसके बाद अब ये कुछ अरसे प्लेटू फेज में रहता है, यानी कि कुछ अरसे इतना ही मेंटेन रहेगा, उसके बाद डिक्लाइन करेगा, क्योंकि इन्फेक्टिव ज्यादा है इसलिए ये थोड़ा सा लास्ट ज्यादा करेगा, यानी कि थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन ज्यादा लोगों को होगा। पहली दूसरी तीसरी वेव के मुकाबले में सबसे ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे इससे, और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, और होपफुली इंशाल्लाह इससे इम्यूनिटी भी डेवलप कर लें। बिल्कुल, तो हम नेक्स्ट 15 दिन को कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी के एंड तक, अल्लाह करे, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो
अंदाजे ही लगा सकते हैं पिछले नया वायरस है, ज़ाहिर है हर कोई इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर फसिया, मैं थोड़ा सा ना इस पे आपकी वैक्सीन पे बात करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त बूस्टर लगवा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास मैसेजेस आते हैं कुछ इस पे सोशल मीडिया पे कि बूस्टर खाली एक ही डोज लगाई जाए, क्योंकि फाइजर का इस वक्त बूस्टर लग रहा है, तो क्या दूसरी डोज भी जो उसका सर्टन टाइम पीरियड है 21 या 25 दिन के बाद के दोबारा लगाना ज़रूरी है या एक ही बूस्टर का डोज काफ़ी है? एक्चुअली इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन फैली हुई है और एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज बिकॉज गवर्नमेंट ने कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी अभी तक इस हवाले से बनाई नहीं। जो ऑफिशियल है वो ये है कि अभी तक मेरी एक्नॉलेज में है कि बूस्टर एक ही लगता है, एक ही लगता है। अच्छा, और लेकिन हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने फाइजर का या मॉडर्ना का बूस्टर लगाया जबकि वो साइनोफॉर्म या साइनोवैक से वैक्सीनेटेड थे कुछ अर्से पहले। तो बहुत सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं या ओल्ड एज हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपना दूसरा डोज भी कंप्लीट कर लें जो 1 month अपार्ट है। तो एक्चुअली वो बूस्टर नहीं लगा रहे, वो रीवैक्सीनेट हो रहे हैं फ्रॉम द अदर वैक्सीन। सही है, लेकिन बूस्टर की अगर आप बात करें तो बूस्टर एक ही लगता है, एक ही लगता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ क्लियर नहीं है। मेरी नॉलेज में ये है कि बूस्टर अभी एक ही लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग जैसे बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं ओल्ड एज, उनमें ये उन्होंने चॉइस दी है कि अगर आप चाहें तो दोनों डोजेस उसी के लगा के एक कंप्लीट कर लें डॉक्टर की उसके साथ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फैसी, जैसे हम ड्रग्स की जब बात करते हैं, जब हम COVID-19 के ट्रीटमेंट पे जाते हैं स्पेशली, चले 4-5 दिन में तो कुछ लोग नॉर्मल ही उसको ठीक हो जाते हैं, पैनाडोल खा लिया और डिफरेंट घर पे रह लिया, स्टीम ले ली। अच्छा, अगर हम जो सीरियस पेशेंट है जो इस वक्त ज़ाहिर है हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो क्या इस वक्त जो करंट एंटीवायरल ड्रग्स थी कोविड की अभी भी हैं तो स्टिल वर्क्स ऑन ओमिक्रॉन? देखिए इस वक्त जो भी मेडिसिन के बारे में बात की गई 2 साल में, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से स्टार्ट किया गया, उसके बाद फिर टोसिलीज़ुमैब की बात की गई, रेमडेसिविर की बात की, बहुत सारी दवाइयों की गुफ्तगू हुई ऊपर, फिर एंटीवायरल एक दो हैं जिनके हवाले से किया भी गया, और बहुत सारी तो मैं मार्केट में देखती हूँ कि अवेलेबल भी हैं। लेकिन एक चीज़ समझना जो ज़रूरी है वो ये है कि इनमें से किसी भी मेडिसिन का कोई सब्सटेंशियल, जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस जो हम ट्रीटमेंट कह सकें, वो नहीं आया अभी तक। काम चल रहा है, चीज़ें हो सकता है वक्त के साथ खुल जाए, अल्लाह करे कोई एंटीवायरल आ भी जाए, लेकिन ये सब चीज़ें अभी जुवेनाइल फेज, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल फेज में, और अगर इसमें से कोई आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो लॉन्च भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोविड के हवाले से कोई भी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सिवाय स्टेरॉइड्स, जो एक हम ट्रीटमेंट के तौर पे तो नहीं लिखते, लेकिन वो जो लोग जिनकी जो उनकी जिसे कहें तकलीफ बढ़ती है या ख़राब होते हैं, वो उनका अपना कुव्वत मुदाफियत का ओवरवेल्म हो जाना, ज़्यादा हो जाना, उस चीज़ को सप्रेस करने के लिए, सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास स्टेरॉइड है, जो माना गया है जिससे फ़ायदा होता भी है। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई नहीं अवेलेबल जो कि हम कह सकें कि 100% अभी सब एक्सपेरिमेंटल फेज में है। सही। अच्छा डॉक्टर फसिया, अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, PCR टेस्ट की बात करते हैं, इस पर भी बहुत सवाल आ रहे थे कि हमें रैपिड टेस्ट भी हम करवा लेते हैं, समहाउ ऐसा भी हो रहा है कि रैपिड टेस्ट में जो पॉजिटिव नेगेटिव आता है PCR में पॉजिटिव आता है, समटाइम उल्टा भी हो जाता है, और अब ऐसी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ने ऐसी किट्स भी निकाल दी हैं कि आप उसको घर पे भी रख सकते हैं और उसको कर देते हैं, तो अगर आपको सारे सिम्टम्स हैं तो एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें इंस्टेंट क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है PCR की अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है, घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग वो नहीं कराते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा जो अपना ख्याल है इस हवाले से वो ये है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो एक इजी टूल है, जल्दी पता चला देता है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई नहीं है। यानी कि अगर 10 लोगों को मैं कराऊं रैट एंटीजन और सबको कोविड हो, उनमें से 10 के 10 का पॉजिटिव नहीं आएगा, 3 या 4 का आ जाएगा, ठीक है। PCR का उसके मुकाबले में बेहतर है, ठीक है, अगर 10 को मैं कराऊं तो 6 से 7 का पॉजिटिव आ जाएगा। सो इसीलिए कभी ऐसा होता है कि रेड नेगेटिव आता है और PCR पॉजिटिव आता है। अच्छा, इसका उलट होने का चांस ज़रा कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि हर टेस्ट के अंदर एक उसकी एक अफादियत होती है, उसकी एक परसेंटेज होती है, आपके पास फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये रैट जो टेस्ट है रैपिड एंटीजन, ये एक
टूल है बेसिकली, जो मैं समझती हूँ कि किसी भी एरिया में अगर आप मास लेवल पे चीज़ देखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक एरिया है इसको क्वारंटीन करना है और उसमें 20,000 लोग रहते हैं, तो आप रैट एंटीजन का टेस्ट 15 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है. सो आप डोर टू डोर जाके उसको करके और उस एरिया में आप देख लें कि कितने हैं. एंटीबॉडी का भी ये सिलसिला है. सही, तो ये एक आपके पास रैपिड टूल है जिसमें आप, जिसे आप अपनी जबान में प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज निकाल सकते हैं, यानी कि एक एरिया में कितने लोग हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने इस बात को हॉस्पिटल्स में भी और लोगों को भी अप्रिशिएट किया कि अगर आप करवाएं तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल परसेंटेज वायरस की हमारे कम्युनिटी में कितनी है. अच्छा, इस अब ये बहुत कॉमन होता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक आदमी जिसको कोविड है, उसके पूरे घर को कोविड हुआ, 10 लोगों को, उसमें से 10 के 10 में से एक को पॉजिटिव आया और 9 को नेगेटिव है. सही है, तो ये मतलब नहीं है कि वो 9 को कोविड नहीं है. सही है, तो उसका टेस्ट फॉल्स है. सो इस बात को थोड़ा सा हमारी आवाम को समझने की जरूरत है कि इस टेस्ट के ऊपर बहुत रिलाय नहीं करना. सिम्टम्स आपका डॉक्टर जज कर लेता है और जिस हिसाब से हम ये इतना फ्रीक्वेंटली देखते हैं, हम अंदाजा हो जाता है कि ये उसी वायरस का इन्फेक्शन है, ओमिक्रॉन ही है. और अगर वो आपको क्वारंटीन का या आपको एहतियाती तदाबीर का या आपको गाइड करता है, तो खुदारा उसको ये समझें. रेट और पीसीआर के चक्करों में अगर वो नहीं भी पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें. लेकिन उसमें ये होता है कि सर अगर एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो उसके लिए जानना जरूरी है कि उसको है बच्चों को लगा दे. ऑफिशियल, फिर एक डॉक्टर है अगर वो पेशेंट डीलिंग कर रहा है, एक बैंकर है जो लोगों को डील कर रहा है, फिर अगर आप अपनी फैमिली में किसी ओल्ड एज पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें फिर जानना जरूरी है कि आपको क्या क्वारंटीन करने की जरूरत है या नहीं. बिल्कुल, मतलब आखिर में हम दूसरे वायरल इन्फेक्शन पे बात करते हैं, मतलब मैं सिर्फ हम इससे बचने का हमारे पास एक ही वो है कि हमने SOPs को फॉलो करना, हाथ धोने, बार बार मास्क का इस्तेमाल करना. बिल्कुल, आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर मैं भी बहुत मास्क का इस्तेमाल करती हूँ, और वाकई में जब आप मास्क कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ रश है, जहाँ आप समझते हैं कि बहुत क्लोज इंटरेक्शन है, तो आप यकीनन बचे रहते हैं. मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ. पिछले 2 साल में हम लोग बीइंग डॉक्टर हर किस्म के वायरसेस देखते हैं, इस मास्क की बदौलत अपने आप को कोविड से बचाने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा दूसरे वायरसेस जो हम हॉस्पिटल में एक्वायर करते थे वो भी हमें नहीं हुए 2 सालों. देखें कितना फायदा है इसका मास्क पहनने का. तो अब यही बात है ना. अच्छा, बड़ी एक मजे की आपको बात बताऊं डॉक्टर फसिया, जैसे आपने कहा ना कि आप लिफ्ट में आई तो आप किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो एक दफा जाहिर मैं भी रोज इसी लिफ्ट में आती हूँ, तो मैंने पूछा कि जी आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो उनका कहना था, अब एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, शायद आपने भी सुनी, उनका कहना था जी ये मास्क पहनने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना आपके अंदर ही जा रही है. ठीक है, तो फिर वो दूसरे साहब कहने लगे कि अरे भाई, फिर वो शायद थोड़े से खुद पहने में नहीं थे लेकिन उन्होंने फिर भी अक्लमंदाना बात की कि नहीं भाई चलो हम कोरोना को छोड़ो दूसरे वायरसेस से भी बचाता है ये मास्क ना. तो कहते वैसे मैं भूल गया हूँ, जेब में रखा था लेकिन वो गाड़ी में रह गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है अंदर. ये असल में इंसान जो है ना वो तावीले ढूंढता है काम को ना करने की, तो वो तावील है जो लोग ढूंढते हैं कि भाई ये हो जाएगा मास्क से, हो जाएगा, कुछ नहीं होता मास्क से, बल्कि अब तो आदत सी हो जाती है. बिल्कुल, अब तो आदत सी हो गई है जी. अब एक शेर भी है इससे बड़ा अच्छा सा, लेकिन आदत हो गई है. बिल्कुल, आप मास्क का इस्तेमाल करें सामीन, आप इस वायरस से यकीनन बचे रहेंगे. अच्छा डॉक्टर फसिया, अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक भी आने वाली है, इससे पहले थोड़ा सा जो अदर वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हम चाहे हम गर्मी की बात करें चाहे हम सर्दियों की बात करें, मौसम बदलते ही यकीनन कुव्वत मदाफ़त में तब्दीली आती है. मुख्तलिफ वायरसेस जो होते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सबको अफेक्ट करते हैं. तो अभी अगर हम सर्दी के मौसम की बात करें तो आप क्या देखती हैं कि कौन से ऐसे वायरल इन्फेक्शन हैं जो बहुत सामने आते हैं इस सीज़न में? ज़्यादातर जो वायरस हमें मिलता है वो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कॉमन वायरस है, फ्लू का, ज़ुकाम का. बिल्कुल, राइनो वायरस है, नाक से ज़ुकाम होता है, हल्का फुल्का बुखार होता है, अलखराश होती है और 4-5 दिन में खांसी के साथ में ठीक हो जाता है. इसके अलावा पेट के वायरसेस हैं, इसमें रोटा वायरस है जो डायरिया करता है, जो आपने जैसे खाना खाया कहीं बाज़ार से और उसके बाद एकदम से तबीयत में जैसे गिरावट हुई और फिर वॉमिट शुरू हुई और फिर बे इंतहा वाटरी डायरिया स्टार्ट हो गया, और वो फिर बहुत ज़्यादा होता है. छोटे बच्चों में ये ख़तरनाक होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनमें ज़ाहिर डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाती है और माओं को समझ नहीं आती कि ये इनका जो वाटर लॉस है वो किस तरह पूरा किया जाए, तो ये एक कॉमन वायरस है. अच्छा, एक मीजल्स जो है वो हम देखते हैं कि सीजनल कभी कभी उसका फ्लेयर ज़्यादा होता है, जैसे आजकल हुआ हुआ है. आजकल मीजल्स
उतना ही फ्रीक्वेंट हुआ हुआ जितना ओमिक्रॉन. सामीन और वापस आएंगे. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02-1-111-0105. मैं हूं आपका वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह. मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए लाजमी करा दी है. उस्तादों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और पेरेंट्स को जिसके बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है. ये आपकी सेहत का मामला है, आपकी जिंदगी हमें अजीज है. हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का मामार बनाना है. वो अपने मुस्तकबिल के मामार हैं. मेरा पैगाम ये होगा कि सबको वैक्सीन करवाइएगा और जितनी वैक्सीनेशन का हम नंबर अपनी सोसाइटी में बढ़ाएंगे लॉकडाउन से, स्कूलों की को बंद करने से, ओपनिंग रीओपनिंग के इशू से हम निकल जाएंगे. सो तमाम जितने भी हैं सिंध हुकूमत की हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई SOPs जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर इन सबको लाजम है और इनको अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ में और हर जगह इसको लाजमी अपनाएं, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, वैक्सीन करवाएं. सेहतमंद सिंध का इस कोरोना के दौर में बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है वैक्सीनेशन से. गेट वैक्सीनेटेड सून. ये पैगाम हुकूमत सिंध महकमा तालीम और ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है. आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं. सामीन, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हम अपने शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाते हैं और मुख्तलिफ अमराज के ऊपर बातचीत करते हैं. अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो हमेशा की तरह आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02-1-111-0105. इसके अलावा अगर आप फेसबुक के ऊपर भी कोई हमें मैसेज या पैगाम भेजना चाहें तो Hot FM 105 के पेज पे जाइए, उसे लाइक कीजिए और वहाँ पर आप हमें लाइव देख भी सकते हैं और वहाँ हमें आप अपना पैगाम भी भेज सकते हैं. इसके अलावा जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है वो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और आप हमें 8881 के ऊपर सेंड कर दीजिए. सामीन, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर फसिया सुहेल मौजूद हैं, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल. हमने ओमिक्रॉन, आधे घंटे पे जो हमारा टाइम था उस पर हमने ओमिक्रॉन वायरस पे बात की और डॉक्टर फसिया ने बहुत अच्छे से बताया कि इसका एक ही हल है जी, आपने SOP को फॉलो करना है, वैक्सीन लगवा लीजिए वो ज़्यादा बेहतर है. बहुत सारे लोगों का अभी भी ख्याल है कि वैक्सीन कोई मदद नहीं करती, लेकिन डॉक्टर फसिया यकीनन इंटेंसिटी इसकी कम हो सकती है. और मैं समझती हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड इतना ज़्यादा है लेकिन लोग जल्दी ठीक इसलिए भी हो रहे हैं, वो लोग जल्दी इसलिए भी ठीक हो रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं वैक्सीन भी मिलने लगी हुई है. बिल्कुल, तो ये भी एक वजह हो सकती है. अच्छा डॉक्टर फैसी, हम दूसरे वायरल इन्फेक्शन पे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इस वक्त मीजल्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिए. यूजली तो मीजल की वैक्सीन एक उम्र में बच्चों को तो लग जाती है ना? जी बिल्कुल. हमारे यहाँ जो EPI प्रोग्राम होता है, जो यानी कि बच्चों का वैक्सीन का जो होता है, उसमें ये 9 महीने पर मीजल्स की वैक्सीन लगा दी जाती है. अच्छा, लेकिन आजकल के ज़माने में भी मैंने देखा है कहीं कहीं लोग जो है स्किप कर देते हैं वैक्सीन, ये मीजल्स की वैक्सीन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चों में मीजल्स कैन बी डेडली. मतलब ये एक नॉर्मल जुकाम खांसी का वायरस नहीं हो सकता, ये आपके फेफड़ों के निमोनिया, इसके अलावा दिमाग के अंदर का गर्दन तोड़ बुखार, हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन इस मीजल्स इन्फेक्शन के साथ हो सकती है बच्चों में ख़ास तौर पे. और इस सिवेरिटी की वजह से मीजल्स की वैक्सीन बे इंतहा ज़रूरी है छोटे बच्चों में, बे इंतहा. यानी कि इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये वो वायरस है जो इसी तरह फैलता है, स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट से जैसे बाकी वायरसेस होते हैं. और ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है छोटे बच्चों में, इसलिए इसकी वैक्सीन ज़रूरी है. हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में ये नहीं लगाई जाती. अच्छा, 9 महीने के बाद ये 1.5 साल की उम्र में इसका बूस्टर लगता है. उसके बाद स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं 5 साल की उम्र में उसका बूस्टर लगता है. उसके बाद टीनेजर्स में, हाई सेकेंडरी वालों में, फिर टीनेजर्स में
और फिर एडल्ट लाइफ में भी इसका बूस्टर लगता है, बाहर के मुल्कों में लगता है, पाकिस्तान में भी लगता है, पीपीआई में शामिल नहीं है लेकिन लेकिन लगवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कम से कम 5 साल की उम्र तक, जो कि एक रिस्क टाइम है, उस वक्त तक ज़रूर लगाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कम से कम ये फैसिलिटी दे दी है कि जब मीजल्स एपिडेमिक आया होता है तो वो एक मुहिम होती है उसमें, जिसमें कि वो मास लेवल पे सबको वैक्सीनेट कराते हैं, जैसे पिछले दिनों स्कूल्स में हुआ था और तकरीबन सब बच्चों को स्कूलों में लगाई गई थी वैक्सीन, और उसकी वजह से वाकई वो उस तरह लोगों को नहीं पता चला कि मीजल एपिडेमिक आया हुआ है और चला गया है। बच्चों को हल्के फुल्के उनके इन्फेक्शन हुए हैं फैलने थोड़े बहुत, लेकिन उन जगहों पर ये मैं आपको अपनी क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे आते हैं पीड्स वार्ड्स में, और जो लोग बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो आ रहे हैं मीजल्स के साथ, और बहुत सारे वेंटिलेटर्स पे भी जा रहे हैं और एक्सपायर भी हो रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चे 5-3 साल के 2 साल के तो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मीजल्स एक ऐसी बीमारी है, होती इसी तरह है ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार और छोटे छोटे रैश होते हैं पूरी बॉडी पे, और इसके अलावा आँखों के अंदर से पानी निकलता है, इसमें कंजंक्टिवाइटिस खास किस्म का इन्फेक्शन होता है जिससे पिक किया जाता है रैश, और ये और बाकी वही जुकाम खांसी बुखार जो नॉर्मल वायरसेस का होता है वैसे ही होता है। इसके लिए फिर फौरन फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है बच्चों? जी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्लिनिकली डायग्नोस की कर दिया जाता है कि ये मीजल्स है, और उसके बाद जो है क्योंकि वायरस का कोई एंटीवायरल नहीं, बस इसमें हम विटामिन ए देते हैं और फीवर को ट्रीट करते हैं, हाइड्रेशन या जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट करते हैं, अगर तो सीना ख़राब हो गया तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, और उसके बाद जिस तरह उसका कोर्स होता है ठीक हो जाते हैं। वैक्सीनेटेड बच्चे उनको अगर हुआ भी है मीजल्स तो बहुत मामूली हुआ है और वो खुद से ही रिकवर कर जाते हैं, मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा ये मीजल्स कंटेजियस तो नहीं? कंटेजियस। अच्छा कंटेजियस, सही। अच्छा डॉक्टर फैसी, अगर हम आम टाइफाइड की भी बात करते हैं, सारे वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, तो आम टाइफाइड और टाइफाइड एक्सडीआर में इसमें इसकी वैक्सीनेशन भी क्या अलग अलग होती है और कब लगवानी चाहिए, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें? टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है ये सेल्मोनेला टाइफी है, ये वायरस नहीं बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब और ख़ास मौसमों में हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा कॉमनली हमें मिलता है, पानी और खाने पीने की वजह। बिल्कुल, जैसे रमज़ान के अगले महीने हम टाइफाइड बहुत देखते हैं क्योंकि लोग बाहर के खाने खाते हैं ज़्यादा, पकौड़े खाते हैं तो वो अक्वायर करते हैं, और उसके बाद फिर ये है कि बारिश के दिनों में हम ज़्यादा देखते हैं ये इन्फेक्शन गर्मियों में। पेट का इन्फेक्शन होता है फीको ओरोलूट, यानी कि खाने के ज़रिए पेट में जाता है, पेट की आंतों में रहता है, उसके पेट की आंतों के साथ एक लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, उनमें ये पनपता है, ग्रो करता है, उसके बाद ये दो तरीके से प्रेजेंट करता है, या तो आंतों के इन्फेक्शन के साथ जिसमें बुखार और डायरिया और वॉमिटिंग और वज़न का कम होना और तबीयत में गिरावट, और दूसरा जिसे हम टाइफॉइड फीवर कहते हैं उसमें ये जरासीम जो है, जो बैक्टीरिया है सेल्मोनेला, ये क्रॉस कर जाता है आंतों से ब्लड में और पूरी ब्लड में गर्दिश करता है, और उसके बाद ये एक टाइफॉइड फीवर की तरह प्रेजेंट करता है जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की मौत भी वाकई हो सकती है, तो ये थोड़ा सिवियर होता है। अच्छा एक्सडीआर जो हम एक्सडीआर टाइफॉइड का जो हम पिछले 1-2 सालों में चीज़ें देख रहे हैं और उसका नाम भी सुनते हैं, ये वो टाइफॉइड है जो ज़्यादा सिवियर होता है, और ये नॉर्मल कंटेम्प्रेरी मेडिसिन जो हम टाइफॉइड के लिए जनरली देते हैं उस पर रिस्पॉन्स नहीं देता, उससे ठीक नहीं होता, और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, और मज़े की बात यह है कि ये हमारा अपना ही पैदा करता है वो, इसलिए कि हम जो हर इन्फेक्शन को टाइफॉइड की दवाइयों से ट्रीट करने की कोशिश करते रहे, हर डॉक्टर ये चाहता है कि 4 दिन के दूसरे दिन के बुखार पे ही आप उसको एंटीबायोटिक दे दें, और एंटीबायोटिक डोज भी सही ना दें और 3 दिन दे के बंद कर दें, ये बड़ा मसला बंद जो करने वाला, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसके लिए वो दवाई अब असर नहीं करती, वो अपने अंदर इननेट एबिलिटी पैदा कर देता है एंटीबायोटिक को बेजरर करने की। सो इससे एक्सडीआर निकला है कि वो बैक्टीरिया जो टाइफॉइड का था, जो पहले सिंपल ट्रीट हो जाता था सेफ्ट्राइक्जोन से, एक कॉमन दवाई दी जाती थी सेफ्टेक्सिम से, वो अब इन एंटीबायोटिक्स पे ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसको हमने एक और नाम दे दिया, तो वो एक्सडीआर है। ज़हर अब उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो उससे भारी दवाइयाँ हैं,
पावरफुल हैं उनको ट्रीट करने की उससे कोशिश की जाती है, लंबे अरसे के लिए दिया जाता है और वो दवाइयाँ एक्सपेंसिव भी बहुत हैं। जैसे हम अभी एंटीबायोटिक की बात करें तो ये, लेकिन हमारे माशरे में ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन पे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो क्या वायरल इन्फेक्शन में हमें जैसे फ्लू, जुकाम या खांसी ये सब हो रहे हैं तो हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए या क्या लिमिट होनी चाहिए कि जब तक ना करें? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक हेल्दी इंसान को जो हेल्दी है, यंग है, उसके अंदर कोई ऐसी अंदरूनी बीमारियां मौजूद नहीं है, उसको जो वायरस या बैक्टीरिया तो मन कम ही होते हैं, वायरसेस ही होते हैं ज़्यादातर, वो जो इन्फेक्शन उसको होता है वो 4 से 5 दिन में रिजॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए पहली बार। अगर तो उसको लगता है कि नहीं एंटीबायोटिक की नीड है तो बेहतर है कि डॉक्टर से रुजू करें, वो बताए कि जी हाँ इसको एंटीबायोटिक की नीड है या नहीं। और तीसरी चीज़, डॉक्टरों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ जान छुड़ाने के लिए, बिल्कुल बहुत होता है मरीज, नॉर्मल मोहल्ले की क्लिनिक्स होती हैं उसमें तो आप आई थिंक सबसे पहला काम ही, सॉरी मैं डॉक्टर को कहना नहीं चाहती, नहीं आप सही कह रही हैं, लेकिन उनका सबसे पहला बिल्कुल, और फिर माँ बाप भी बहुत प्रेशर करते हैं, दोनों बातें डॉक्टर अपने ऊपर एक प्रेशर ले ले नहीं मतलब कर पाता कि अगर कोई फैमिली पुश करी नहीं, आपने दवाई नहीं दी तो एक्चुअली कभी कभी डॉक्टर को कहना चाहिए कि इसको दवाई की जरूरत नहीं है, ये खुद सही हो जाएगा, 5 से 7 दिन आप उसको सपोर्ट करें, काउंसिल करें और आप उसको मेक श्योर करें, क्योंकि ये बीइंग अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी को बेजा दवाइयाँ ना दूँ, और इन दवाइयों के नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपने एक ऐसा टाइफॉइड का वेरियंट पैदा कर दिया है जो कि नहीं एग्जिस्ट करता था, जिसको हमने खुद बनाया है अपनी गलत दवाइयों से। और घर वालों मरीजों को भी ये बस समझना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर ने गला खराब के लिए एमोक्सिल दे दी है या कोई और दवाई दे दी है, अगर अगली दफा वो गला खराब होते वो खुद से जाते हैं और खुद से वो दवाई लेके आ जाते हैं। और मुझे अपना बचपन याद है, हमारे जमाने में जो घर के पास वाले डॉक्टर होते थे उनको भी इतनी अकल होती थी कि वो एंटीबायोटिक नहीं दिया करते। और डॉक्टर फसिया, अब मैं ये देखती हूँ, मतलब पहले का दौर ये था कि डॉक्टर ख़ुद भी मशवरा करता था, अगर देता था कि अगर आपको खांसी है या नज़ला ज़ुकाम है तो यखनी का इस्तेमाल कर लें, स्टीम दे दें बच्चे को, थोड़ा सा जुशानदा बना दें, कावा बना दें, मतलब अब तो मैं देखती हूँ कि डॉक्टर भी ये मशवरा नहीं देता है और हम भी इतनी कोशिश नहीं करते, हमें हमारी ज़िंदगी भी प्रेशर इतना है बच्चे के ऊपर भी, हम कहते हैं जी जल्दी से क्विक ठीक हो जाए, स्कूल मिस ना हो जाए, ये मिस ना हो जाए। असल में जो एक पैराडाइम है, जो जाविया है देखने का चीज़ों को, वो बहुत गलत है। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हुई है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का प्रेशराइजेशन है डॉक्टर्स पे। जैसे अगर वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई लिखें, तो मैं नहीं लिखूंगी जब तक उस मरीज को ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ डॉक्टर्स इस बात पे ब्राइब हो जाते हैं और वो आँख बंद करके वो दवाइयाँ चलाने के लिए अपने मरीज की सेहत को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक कॉल देते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें? शेर बहादुर बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये नहीं कराची, जिला गडाप से। जी शेर बहादुर, क्या सवाल करने चाहेंगे? बस यही बोलना चाह रहा हूँ सर, हमारे 2009 पे बच्चे यहाँ से डूब गया था, वजीर अला कमली शाह आया था 2009 पे, खुद अपने आंखों पे देखा, ऐलान किया था, अब तक मैं तड़पा रहा हूँ भाई, कुछ भी मुझे मतलब नहीं मिला। अच्छा अच्छा ठीक है। और अभी जो है ना, फिर मैंने ये कागज, ये अपना अभी जो वजीर अला साहब है इनको मैंने इस्लामाबाद के लिए मतलब ट्रांसफर करवाया अपरिजी साहब ने, लेकिन उसने भी इंक्वायरी भी करवाया, फिर भी उसी बावजूद भी कोई पता नहीं चल रहा है भाई, और नहीं हो रहे। ठीक है, हम आपका पैगाम कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचा दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बिल्कुल डॉक्टर फसिया, तो उनके छोटे छोटे बहुत सारे मसले, हम रेडियो के ऊपर बात करते हैं तो यकीनन एक बड़ा मीडियम है तो लोग समझते हैं कि यकीनन हम उनकी मदद कर सकते हैं, और बिल्कुल हम कोशिश भी करते हैं कि कोई इस किस्म के पैगाम हों तो हम आगे तक पहुंचा सकें। तो डॉक्टर फसिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें एंटीबायोटिक से बहुत दूर रहना चाहिए, अगर जरूरत नहीं तो नहीं ले मतलब कम से कम बच्चे को या अपने आप को भी कम से कम 7 दिन तो दें हम ठीक होने के लिए। बिल्कुल आप देखिए, वायरल इन्फेक्शन का खास पैटर्न होता है, 2 से 3 दिन तक बुखार, तबीयत में बेइंतहा गिरावट, जिस्म दर्द करना, जुकाम, नाक बहना। एंटी एलर्जिक लेने का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे, ये तो फौरन ले लेते हैं। अच्छा, एंटी एलर्जिक का थोड़ा सा ये होता है कि आपकी सिम्टम्स तो कम करता है, जो नाक का बहाव है वो तो बेहतर हो जाता है, लेकिन देखिये ये एक अल्लाह मियाँ का निज़ाम है कि हमारी नाक में जो वायरस मौजूद होता है
اس کو کلیئر کرنے کا المیہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس پانی کے ذریعے وہ نکلتا ہے. یہ بھی ایک ہم اب آپ اس کو روک ہاں اب آپ اس کو روک لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وائرس زیادہ اسٹے کرتا ہے جس کی وجہ سے سائنوسائٹس ریسپریٹری انفیکشن اور نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بات کر رہا ہوں میڈم. جی ظفر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ معلومات کرنی تھی کہ مجھے ایسٹرا زینیکا کی ویکسین لگی ہے تو مجھے بھی تیسری ڈوز لگوانی پڑے گی؟ آپ کی اگر دو ویکسین ایسٹرا زینیکا کی لگی ہے تو 6 مہینے کے بعد اس کا بوسٹر لگے گا. ٹھیک ہے, کوئی بوسٹر لگوا لیں. جی جی کوئی بھی بوسٹر لگوا لیجیے, ایسٹرا زینیکا کا ہی لگوا لیجیے. اگر نہ وہاں پہ ہو تو جو بوسٹر اویلیبل ہو جو بھی اویلیبل آپ کے پاس. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہوتی, مریض یہ کوشش کرتا ہے کہ کم ہمارے بچے کو نا آرام آنا چاہیے اور اس ڈاکٹر کے پاس جاتی جو زیادہ انجیکشن لگائے اور زیادہ دوا لیتے. لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلے ٹھیک, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. دیکھیے انہوں نے کتنی صحیح بات کی کہ ماں باپ کا رجحان ہوتا ہے نا کہ تکلیف کم ہو. تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں, اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, تو تکلیف جو ہے بیماری کی وہ بھی بڑی ضروری ہے. بالکل, کیونکہ وہی تکلیف ہوتی ہے جس سے آپ, جیسے ہم کہتے ہیں نا نو پین نو گین. ویری ٹرو. سو ظاہر ہے بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کمفرٹیبل رکھ سکیں, اس کے لیے میڈیسنز ہیں جیسے ہم پیراسیٹامول دیتے ہیں اور سودنگ میڈیسنز ہیں, اس پہ زیادہ اینٹی بایوٹک کچھ نہیں کرتی اگر بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے نا, وہ بلا وجہ ایک جسم میں جا رہی ہے, اس نے اپنا ٹائم لے کے ہی اس وائرس ٹھیک ہونا, اگر میں یہ سمجھوں. بالکل بالکل, اس کا کوئی رول نہیں. اس کے مقابلے میں یہ بھی سمجھنا ضرورت ہے کہ جسم کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں, مفید ہوتے ہیں, ہم اس کو مار دیتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ خدا را اینٹی بایوٹک کے لیے ڈاکٹر اب پریشر نہ لے اور پیشنٹ پوچھ نہ کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل سامعین, اور یقیناً ابھی بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی. اور ویسے تو اگر دیکھیں ڈاکٹر فضیہ, ہم اگر ہم کووڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو جب شروع شروع میں مجھے بھی کووڈ ہوا تو بہت سارے ایسے مفید مشورے آ گئے. آپ نے وہ 5 سیٹ دوائیاں تھیں, آپ یہ کھا لیں, آپ اینٹی بایوٹک کھا لیں, آپ یہ والی چیز کھا لیں اور آپ سٹیرائڈ شروع کر دیں. مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا, میں کیوں کھا لوں, بس مجھے کوئی سمپٹم نہیں ہو رہا. تو یہ بھی بڑا ایک ہے کہ آپ نے کووڈ میں اینٹی بایوٹک شروع کر دیا. کووڈ میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے انلیسینٹلی وہ کمپلیکیٹڈ نمونیا وغیرہ نہ. اور اسٹیرائڈس کا بھی اسی وقت رول آتا ہے اگر اسٹیرائڈس کی نیڈ ہوتی ہے. یاد رکھیے اسٹیرائڈس کے اپنے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ سوچ سمجھ کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور ڈاکٹر ہی کے تھرو لینا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک آپ نے وہ خود سے ہی ایک بنا کے سیلف میڈیکیشن لے کے وہ ہر ایک کو لینا بھی شروع کر دیا اور دینا بھی مشورے بھی شروع ہو جاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق صدیقی عرض کر رہا ہوں, شاہ فیصل کالونی سے. جی طارق صاحب, امبر صاحب, دراصل تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے ڈفرینٹ, تھوڑا سا یعنی ڈفرینٹ وہ مشورہ لینا ہے کہ میرے کزن ہیں, ان کو 5-6 مہینے پہلے ایسا ہوا کہ کچھ کھانا کھانے کے بعد ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو کچھ میڈیسن وغیرہ دی اور یہ کہا کہ مرچی نہ کھائیں. ان کے اسکن میں کچھ جلن اور کھجلی سی زیادہ پیدا ہوئی. پھر وہ بڑھتے بڑھتے کافی ایسا ہوا کہ وہ جب بھی ذرا سی مرچ وغیرہ کچھ کھاتے تو وہ تکلیف بڑھ جاتی تھی. باہر صورت انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ حجامہ کرائیں. حجامہ وہ بلڈ وغیرہ کچھ نکالتے ہیں, کیا ہوتا ہے. باہر صورت وہ بھی کرایا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ بالکل ابلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی میں اس کی ذرا سی بھی اگر کھا لیتے ہیں تو اسکن میں جلن بھی ہوتی ہے اور کھجلی بہت بڑھ جاتی ہے. تو ذرا سا کچھ بتائیے گا اس بارے میں کہ کچھ کیا کچھ علاج ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ جو بتا رہے ہیں ان کو کنڈیشن سے ہم کہتے ہیں ارٹیکیریا, وہ ہوتا ہے. یہ ایک طرح کا الرجک رسپانس ہوتا ہے باڈی میں, جیسے ایسٹھما ہوتا ہے نا جی, کہ سانس میں دشواری ہو جاتی ہے خاص چیز کو انہیل کرنے سے. بالکل اس طرح جسم میں ایک رسپانس اسکن ڈیولپ کرتی ہے. اسکن بھی ایک آرگن ہے, وہ ڈیولپ کرتی ہے کہ وہ چیز یا تو خوراک میں ہو یا کانٹیکٹ ہو. یعنی کہ کچھ لوگوں کو خوراک میں جانے سے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو جلد پہ لگنے سے ہوتی ہے. جیسے میٹل ہے یا کوئی لیدر کا کوئی چیز, کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے, پلاسٹک سے, کسی بھی چیز سے, اور یا پھر خوراک میں کوئی چیز لے, جیسے کہ سی فوڈ لینے سے, فوڈ کلرز کے ساتھ ہوتا ہے, بیف کے ساتھ لوگوں کو ہوتا ہے, ایگ کے ساتھ ہوتا ہے, کسی خاص قسم کی چیز کو لینے سے ہوتا ہے.
उससे ये होता है कि जिस्म में जलन होती है, रेडनेस हो जाती है, खारिश होती है और फिर एक बड़े बड़े हाइव्स बन जाते हैं. अच्छा तकलीफ दे होता है ज़ाहिर है क्योंकि आदमी इतना अनकम्फर्टेबल होता है. अच्छा ये भी जैसे मैंने बताया कि दमे की तरह एक ऐसी बीमारी है जो एक कंडीशन है जो उनके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, यानी कि वो हमेशा इस बीमारी इसके होने के प्रोन रहेंगे. ठीक है, ये किस वजह से एकदम से छिड़ जाती है इसके बारे में भी बड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जिसमें से एक जो चीज़ इस्टेब्लिश है वो ये कि इसकी इंटरनल ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी भी एक चीज़ से जो आप नॉर्मली खाते हैं, और जिस्म के अंदर उसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन की सेंसिटिविटी हो जाती है और आपके जिस्म में खारिश और ये दाने वगैरह हो जाते हैं. अब इसका इलाज जो है दो तरीके का है. एक तो ये कि आप उस चीज़ से इज्तनाब करते हैं जिस चीज़ से आपको होता है एलर्जी होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उस एलर्जी को रोकने की दवाई देते हैं. मुश्किल इलाज होता है इसका और बहुत वक्त दरकार होता है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये कंट्रोल में आ जाती है और आ जाती है लोगों के मुख्तलिफ अदवियात को लेके. इससे पहले कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है किस चीज़ से हो रही है. मिर्चों से मैंने वैसे यूजली सुना है कैसा होता है. एक्चुअली जो मिर्चें नॉर्मली होती हैं ना, जैसे हरी मिर्च हो गई, उससे नहीं होती. लाल मिर्च से भी इस वजह से होती है कि जो बाजारी मिर्चें होती हैं उसमें रंग डाला जाता है, केमिकल होता है उसकी वजह से. तो अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाएंगे तो नहीं होगा. बाजार के खानों से होती है, फूड कलर से होती है. सो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो हरी मिर्च का इस्तेमाल करें खाने में तो उनको नहीं होगा. और दूसरी ये कि अद्वियात प्रॉपरली लें, और इस बीमारी सो जाती है और सो जाने के कुछ ऐसे बाद अद्वियात भी बंद कर दी जाती हैं. और फिर ये होता है कि कभी कभी उनको दोबारा उसी चीज़ से नहीं भी होती, यानी मिसाल के तौर पर अगर उनको मिर्चों से हो रही है और ये बीमारी अगर 2 साल के लिए सो जाती है तो हो सकता है तीसरे साल ये मिर्चें खाएं उनको कुछ ना हो. सो डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज़ है, लेकिन ये कि लेकिन मेरे ख्याल में पेशेंट को खुद भी जज करना होगा कि उसने क्या खाना है और कब खाना है और अब उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा. आई थिंक वो खुद भी इंसान को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ को तकलीफ दे रही है. जो पेशेंट्स हमारे पास अर्टिकेरिया के साथ आते हैं उनको ये समझाना पड़ता है कि बाजार की बिरयानी नहीं खानी लाजमी. पानी आ रहा है वो उनके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम. इतना फूड कलर होता है, मजे की कितनी होती है, और आलू देखा आपने कैसा लाल होता है. अल्टीमेट होता है, मुझे बहुत जोर का पानी आ रहा है. जुम्मे के दिन और बिरयानी की बात हो जाए डॉक्टर फसिया. अच्छा डॉक्टर फसिया, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन देखी है कि मलेरिया. ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो डेंगू भी फौरन दिमाग में आता है, तो क्या ये दोनों भी वायरस है? डेंगू वायरस है. ठीक है, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है, एक काइंड ऑफ पैरासाइट होता है जो कि ग्रो करता है मच्छर के अंदर और वो ट्रांसमिट होता है. सही, लेकिन डेंगू जो है वो प्योरली वायरल इन्फेक्शन है और वो भी मॉस्किटो ही बॉर्न होता है ना. एक खास किस्म की स्ट्रेन है मच्छर की जो वो कैरी करती है, क्लीन वाटर में वो ब्रीड करता है और वो कैरी करता है और वो पर्सन टू पर्सन उसको स्प्रेड करता है. सही, डेंगू इज़ अ वायरस. अच्छा एक और कुछ सवालात फेसबुक पे भी हैं कि मुझे स्मेल एलर्जिक है, स्मेल की खुशबू जबान पर महसूस होती है, सर्जिकल मास्क यूज करने से गले में खारिश होती है, प्लीज़ एडवाइस करें पॉसिबल. सर्जिकल मास्क यूज़ करने से गले में खारिश वैसे होनी तो नहीं चाहिए. सर्जिकल मास्क यूज़ करने से ज़्यादा चीज़ें होती है वो होती हैं फेस पे एलर्जी हो जाती है. उसमें कि आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं. मास्क को दूसरी बात समझ गए होते हैं, मास्क डिस्कार्ड करना है. ये तो हम करते ही नहीं. आपको भी किसी के घरों पे जाए ना, वो जो जिस पे चाबी हैंग होती है ना, उसको बहुत सारा मास्क हैंग होता है, वही निकलते हुए पहन लेते हैं, वही वापस आके हैंग कर देते हैं. तो मास्क का कॉन्सेप्ट किल हो गया फिर अगर आपने वो चेंज नहीं किया. अगर आप मास्क चेंज, उसमें ज़ाहिर वो स्वेट करता है आदमी, उसमें थोड़ा सा सलाइवा आपका थूक लगता है, और वो अगर आप बार बार वही यूज करेंगे तो ज़ाहिर मे बी उसी की वजह से गला इरिटेट भी कर सकता है. वो एक मतलब ज़ाहिर एक कंटेमिनेटेड चीज़ आप मुंह पे लगा के घूम रहे हैं, तो उसको आप क्लीन रखें, मटेरियल उसका चेक करें, तो ये आपको इशू नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर फसिया, अगर हम इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो पोलियो भी इसी में ही आता है. जी, पोलियो भी वायरल. तो अभी आप क्या देखती हैं पाकिस्तान में, क्या सिचुएशन है इस वक्त पोलियो की? अगर ज़ाहिर पहले के मुकाबले तो बहुत बेहतर है. हम अमूमन पोलियो अब उस तरह नहीं देखते. मैं अपनी जो मेरी जितना एक्सपीरियंस है एज अ क्लिनिशियन, मैं पोलियो जिनको आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले हुआ था उनको देखती हूँ कि वो ज़ाहिर है वो लिम्प वीकनेस के साथ हमारे पास आते हैं फॉलोअप पे, या किसी और प्रॉब्लम के साथ आते हैं. लेकिन छोटे बच्चों में ज़ाहिर है, क्योंकि मैं पीड्स
बच्चों को कवर नहीं करती, मेरा डोमेन जो है वो एडल्ट मेडिसिन है, लेकिन जो हमारे कोलीग्स हैं जो पीड्स में देखते हैं उनके पास भी जहाँ तक मेरा इल्म है कि पोलियो अब नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे यहाँ इतना ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया और किया जिसकी वजह से ये, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इसके हवाले से मिथ्स पाई जाती हैं और लोग नहीं करवाते वैक्सीन, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे आगे जाके प्रॉब्लम ना डेवलप करे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, वैसे एक और जो छोटा सा इन्फेक्शन के अगर हम बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लू या नज़ला होता है तो कान के इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बच्चों में अगर हम स्पेशली बात करें तो खैर बड़ों में भी हो जाता है, लेकिन इन इन्फेक्शन को हम कैसे ट्रीट करें? समहाउ समझ नहीं आता कि कान के दर्द को या कान के इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करें। छोटे बच्चों में जिनका जो जिसे आप समझे 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनमें ज़ाहिर ज़ुकाम जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो, क्योंकि हमारा हलक जो होता है ना, थ्रोट जो होता है ये कनेक्टेड होता है एयर्स के साथ, नोज के साथ और एयर्स के साथ, तो वो जो इन्फेक्शन आपके थ्रोट में होता है वो स्प्रेड कर जाता है साइनसेस में भी और एयर्स में भी और वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा वो देखिए वायरल इन्फेक्शन का एक स्पैन होता है 7 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन, उस वक्त वहाँ उसमें रनी नोज भी होगी, इची एयर्स होंगे, कान में खारिश होगी जो नॉर्मल होता है, और वही जो शानदा है या हर्बल मेडिसिन जो आप चाय है पैरासीटामोल है ये चीज़ें आप देते हैं बच्चों को भी देते हैं और उससे वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं अपने टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक आध इन्फेक्शन बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे गले में एक नेचुरल बैक्टीरियाज पाए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जिसे हम कहते हैं, वो इन्फेक्शन नहीं करते, वो वहीं मौजूद होते हैं खामोशी से, लेकिन वो उस चीज़ को उस जिसे कहें कि माहौल में जो वायरल इन्फेक्शन में कभी कभी बैक्टीरिया ताकत पकड़ते हैं और इन्फेक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। सही। उस सूरत में फिर एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होती है, इसीलिए छोटे बच्चों में अगर फ्लू ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें अगर वो देखते हैं कि कहीं वो कान तक पहुंच गया इन्फेक्शन, ओटाइटिस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर एंटीबायोटिक दी जाती है कैलकुलेटेड क्वान्टिटी में थोड़े दिनों के लिए। सही। सो अगर ये एक चीज़ है कि कोई वायरल इन्फेक्शन अगर सिम्टम्स कान की तरफ आने लगे तो एक दफ़ा ENT या किसी फिजिशियन को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना अच्छा है कि देख लें कि कहीं ओटाइटिस में कन्वर्ट ना हो रहा हो, जिसके लिए 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक देनी पड़े। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फसिया। अभी हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं, मैं चाहूँगी कि हम इसको सम अप करें। आप क्या मशवरा देना चाहेंगी सामीन को कि हम ओवरऑल अगर वायरल इन्फेक्शन से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अपनी आप डेली लाइफ में, हम क्या हमें करना चाहिए? देखिए छोटे छोटे टिप्स, कुछ चीज़ें हैं जैसे जिसके हवाले से एस्टैब्लिश है, जैसे पोलियो है, मीजल्स है, ये 2 इन्फेक्शन ऐसे हैं जो ऐसे नहीं है कि जिनको वैक्सीनेशन के बगैर आप छोड़ दें अपने बच्चों को। ठीक है, आज से 100 साल पहले जब पोलियो वायरस आया था तो वो ज़ुकाम खांसी के साथ आया था और पेट ख़राब के साथ आया था, मतलब बच्चों को डायरिया हुआ था, लोगों कहा था कि कोई नया वायरस आया है जो जुलाब करता है। दुनिया में किसी को ये बात नहीं पता थी कि ये वायरस नर्व्स के अंदर जाता है और नर्व्स के अंदर जाके ये पैरालिसिस यानी कि फालिश की तरह की एक चीज़ कर लेता है, बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है और ये ट्रीटेबल नहीं है। और इस चीज़ को समझते हुए जिस हिसाब से दुनिया भर में वैक्सीन के हवाले से एक रुझान पाया गया और पोलियो की वैक्सीन आई और फिर कैसे पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर दिया गया, पोलियो ख़त्म कर दिया गया, एक इस हद तक इम्यूनिटी डेवलप कर दी गई कि वायरस पनप ही ना सके और पोलियो ख़त्म हो जाए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जैसे मीज़ल्स है, मीज़ल्स का वायरस छोटे बच्चों में इज़ डेडली, बहुत ख़तरनाक है, और मैंने आपको बताया कि गर्दन तोड़ बुखार, नमोनिया जानलेवा बीमारी है छोटे बच्चों में जिनमें वैक्सीन नहीं लगी हुई। अब इन दोनों वायरसेस के हवाले से एक एक यूनिवर्सल कंसेंसस और पाकिस्तान में हर माँ बाप के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये ख़तरनाक वायरस जिससे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इससे हमने अपने बच्चों को बचाना ही बचाना, हर हाल में वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, और अवेलेबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो गवर्नमेंट के ऐसे प्लान है इसमें फ्री भी आपको मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे वायरस है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, रोटा वायरस है और राइनो वायरस है जो कि कॉमनली फैलता है और डेडली नहीं है, उसके लिए पैनिक नहीं करना है, अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है, दैट्स इट, और खाने पीने की एहतियात करनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फसिया, और यकीनन आपके साथ किया हुआ सेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है स्पेशली मेरे सामीन के लिए, और बहुत शुक्रिया आप अपना वक्त निकाल के ऑन एंड ऑफ हमारे पास आती रहती हैं। और फेसबुक पे सवाल है कि आपकी क्लिनिक कहाँ होती है, तो आपकी क्लिनिक डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती है, जल्दी से टाइम बता दें कब होती है। ज़ियाउद्दीन किमाड़ी कैंपस में फ्राइडे एंड जुम्मे और मंगल को और सुबह 9 बजे,
और क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन में मंडे पीर को, बुध को और जुम्मे को, तीन दिन होती है पीर और बुध को जो है वो 1-3 बजे होती है और जुम्मे को शाम को 6 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसिया। और सामीन आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक घंटा अभी हमने और बात करनी है और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, आओ बात करें। ठीक है जी, आओ बात करें तो क्या बात करें, इस पर बात करेंगे लियाकत नेशनल से। हमारे पास डॉक्टर होंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस।